हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू कोटोपस। तो जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट आर न्यूमेरिकल ऑन मैग्नेटिक फोर्सेस। और मैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में आपने पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स, तो जिसकी वजह से वो चार्ज पार्टिकल उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे थे, तो सर्कल कंप्लीट कर रहा था। ठीक है, तो उसके बिहाफ पे हमने उसकी रेडियस कैलकुलेट की थी, उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट किया था, जब क्या कर रहा है चार्ज पार्टिकल कंप्लीट सर्कल कर रहा है, उस केस की हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक क्वेश्चन लेके चलते हैं यहाँ पे कि कोई भी चार्ज पार्टिकल मान लिया हमने, ठीक है, जिसकी चार्ज मान लिया कि एक प्रोटॉन है, जैसे मान लिया 10^-19, क्या हो जाएगा इसके ऊपर, कूलम्ब चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और ये हमने किसके अंदर रखा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, 1.1 टेस्ला मान लिया हमने। ठीक है, 1 टेस्ला क्या मान ली हमने, मैग्नेटिक फील्ड मान ली। ठीक है, और चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, वेलोसिटी उसकी दे रखी है, परपेंडिकुलर टू द फील्ड मान लिया मूव कर रहा है, दैट इज 10 m/s हमने कंसीडर कर ली, और दैट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इन दोनों में एंगल कितना बेटा, 90 डिग्री का है। तो क्या पूछा गया, सिंपल सी बात है, कैलकुलेट रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है, टाइम पीरियड पूछ सकता है। तो कैलकुलेट टाइम पीरियड, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो भी पूछना है कोई बात नहीं है। तो R इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला था बेटा, क्योंकि सीधी सी बात है परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना हो गया, 90 हो गया, तो mu²/R इज इक्वल टू QV भी आ गया था, तो उसके हिसाब से हमने रिजल्ट कैलकुलेट कर रखा है। तो R इज इक्वल टू mv/QB आ गया। ठीक है, तो R इज इक्वल टू mv/QB हमारे पास ही फॉर्मूला है। तो अब सीधी सी बात बेटा, जो रेडियस निकालेंगे R इज इक्वल टू mv मास ऑफ द प्रोटॉन। ठीक है, मास ऑफ द प्रोटॉन निकाल लेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन क्योंकि हमने प्रोटॉन माना हुआ है, ये कितना हो जाएगा, 1.67 × 10^-27 किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो R निकालना हमने, तो m की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे कितनी, 1.67 × 10^-27 किलोग्राम लिख दिया। वेलोसिटी दे रखी है 10 m/s दे रखी है, डिवाइड बाय में क्यू दे रखा है, 1.6 × 10^-19 दे रखा है। ठीक है, इनटू में b दे रखा है, दैट इज 1 आ जाएगी। ठीक है, तो इस बिहाफ पे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इस r की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली 1 हो जाएगा, तो 10^-26 ऊपर हो गया, ये प्लस क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास, रेडियस आ जाएगी इस टाइप से। क्लियर बच्चे? तो अब अगर हमें क्या निकालना हो, टाइम पीरियड निकालना हो, ठीक है, टाइम पीरियड निकालना हो, तो टाइम पीरियड के केस में हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड का केस होगा जो, टाइम पीरियड के केस में क्या करेंगे हम, टाइम पीरियड क्या होता है, 2πm/QB। ठीक है, 2πm/QB लिख देंगे, 2π जो भी वैल्यू दे रखी है, m की वैल्यू लिख देंगे 1.6 × 10^-27 डिवाइड बाय में q की वैल्यू दे रखी है 1.6 × 10^-19 कूलम, इनटू में b की वैल्यू दे रखी है 1 टेस्ला, जो भी आएगा कट पिट के आंसर वो क्या, इसमें क्या पूछ सकता है बेटा, जैसे फोर्स पूछ ले, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, qvb sin थीटा, थीटा क्या है, परपेंडिकुलर है, तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, qvb के हिसाब से आ जाएगी। क्यों की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.6 × 10^-19, वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 10 m/s इनटू मैग्नेटिक फील्ड कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये 1.6 × 10^-18 N क्या आ जाएगी, फोर्स आ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से आप डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशन है जो आप कर सकते हो इस केस के अंदर। क्लियर बच्चे? अब हम थोड़ा सा कंसेप्ट को और बारीकी से समझेंगे कि और कैसे हो सकता है इसके अंदर। जैसे सीधी सी बात मैंने बोला बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल जाएगा तो वो सर्कुलर पाथ क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा होता है। ये जरूरी नहीं कि हर टाइम वो क्या करे, सर्कल कंप्लीट करे, सर्कुलर पाथ जरूर फॉलो कर रहा है, जब वो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है सर्कुलर पाथ जरूर फॉलो कर रहा है। अब ये जरूरी नहीं है कि वो सर्कुलर पाथ फॉलो करता करता सर्कल को भी क्या करे, कंप्लीट करे। ये डिपेंड करता है कि किस एंगल से वो एंट्री कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और जो मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है वो कितना है, उस हिसाब से क्या होता है बेटा, उसका टाइम पीरियड वगैरह हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। मींस अब जब वो, सीधी सी बात है, पूरा टाइम पीरियड, पूरा
पूरा सर्कल इसने कंप्लीट नहीं किया, तो उसका टाइम पीरियड हम क्या मानेंगे कि भाई जितना टाइम वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आया वो टाइम आप कैलकुलेट करके बता दो। जैसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक एग्जांपल लिया हमने कि ये रीजन हमने मान लिया, ठीक है, इस रीजन में क्या है बेटा मैग्नेटिक फील्ड है, यहां मैग्नेटिक फील्ड रख दिया हमने, बी की इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू है, और यहां इस रीजन के अंदर बी की वैल्यू जीरो है और इस रीजन के अंदर भी बी की वैल्यू क्या है जीरो है, कोई भी फील्ड नहीं है आउटसाइड दिस रीजन। अब क्या हुआ, एक चार्ज पार्टिकल आया यहां एंटर किया उसने, क्यों चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी v से आया जिसका मास हमने m मान लिया, इस टाइप से इसने एंटर किया। अब ये एंगल बना रहा बेटा, ठीक है, एंगल ये इस वर्टिकल के साथ भी बना सकता है और हम हॉरिजेंटल के साथ भी कह सकते हैं, मींस जो ये वर्टिकल रीजन है इसके साथ भी एंगल हो सकता है और हम हॉरिजेंटल के साथ भी कह सकते हैं कि इस टाइप से हॉरिजेंटल के साथ इसने एंगल बना लिया कितना बेटा थीटा। तो अब सीधी सी बात है, इसके ऊपर क्या लगा होगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, तो फोर्स लगी, फोर्स लगी तो सीधी सी बात है इसने कैसा पाथ फॉलो किया, सर्कुलर पाथ फॉलो किया। तो कहां तक इसने सर्कुलर पाथ फॉलो किया, यहां तक इसने क्या किया सर्कुलर पाथ फॉलो किया। अब उसके बाद इसको क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिली, मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिली तो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगी, क्योंकि एफएम क्या होता है क्यू वी बी होता है, बी अब्सेंट हो गया तो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स खत्म होगी, मैग्नेटिक फोर्स खत्म होगी तो वही मैग्नेटिक फोर्स इसके लिए किसका काम कर रही थी, सर्कल में ले जाने का काम कर रही थी, तो इसका मतलब इसका सर्कुलर पाथ क्या हो गया अब खत्म हो गया। तो अब ये क्या करेगा, सीधा यहां से जिस टाइप से इसने एंट्री की थी उसी टाइप से उसी एंगल से ये क्या कर रहा होगा यहाँ पे एग्जिट कर रहा होता है, ठीक बेटा। तो यहां ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या बनाएगा, ये थीटा बना रहा होता है, ठीक है, इसका एंगल भी क्या हो रहा होता है थीटा हो रहा होता है। जैसे जो एंट्री एंगल है और जो एग्जिट एंगल है वो इनके बराबर होते हैं, क्योंकि एक्चुअल में क्या है बेटा ये जो पाथ है ये किसी न किसी सर्कल का पार्ट है, ये एक्चुअल में ये जो पाथ है ये किसी न किसी किसका पार्ट है, सर्कल का पार्ट है। तो अब जब से सर्कल को हम कंसीडर करें कि ये सर्कल है, तो यहां से ये पॉइंट और ये पॉइंट ये आपने एंगल कंसीडर करना है। जैसे यहां आपने एक वो बना दिया डायगोनल बना दिया इस टाइप से, तो यहां आपने क्या किया टेंजेंट ड्रा किया, यहां आपने क्या किया टेंजेंट ड्रा किया, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे बराबर होंगे। यहां आपने एक चॉर्ट बना दी यहां पे, ठीक है, तो यहां आपने टेंजेंट ड्रा किया ऐसे और यहां आपने क्या किया ऐसे टेंजेंट ड्रा किया, तो ये क्या कर रहा होता है सिमेट्री को फॉलो कर रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं बेटा बराबर होते हैं, सिमेट्री को फॉलो कर रहा है ना, मींस ये जीरो तो ये 180, ये कितना मान लिया ये थीटा, तो ये कितना बच जाता है यहाँ पे 180 माइनस थीटा, तो सीधी सी बात है ये क्या बन जाता है हमारे पास थीटा। तो ये एक्चुअल में सिमेट्री होती है जिसकी वजह से जिसे एंटर कर रहा है उसी टाइप से क्या कर रहा है एग्जिट कर रहा है, क्योंकि ये किसका पार्ट है बेटा सर्कल का पार्ट है, उस बिहाफ पे हम इसको कह देते हैं, ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा अब जो ये सेंटर है, ये सेंटर यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, इस लाइन पे भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कहां होगा। तो सीधी सी बात बेटा, अगर आपने ये एंगल इस टाइप से अज्यूम किया, ये चौर्ड है जो ये इससे इसके डायमीटर से अगर छोटी है तो ये क्या आएगा एंगल बाहर आ जाएगा, ठीक है, और अगर ये चौर्ड क्या है इस साइड में है, इस साइड में कैसे होगी, मींस जब ये सर्कल का पार्ट बहुत सारा इसकी कर्वेचर क्या होगी ज्यादा होगी, कर्वेचर ज्यादा होगी तो रेडियस क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी, तो ये पार्ट ये जो पार्ट है ये कहां हो जाएगा यहां पे फिक्स हो जाएगा, ठीक है, यहां से ये सेंटर यहां शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा दूसरी बात बेटा कि ये कैसा हो सकता है, कैसे हो सकता है ये, मींस सेमी सर्कल भी कंप्लीट कर रहा होगा, जब ये सेमी सर्कल कंप्लीट कर रहा होगा तो यहां से ये सेंटर खिसक के यहां पे आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल इस बाउंड्री पे आ जाएगा, क्लियर। तो इस सेंटर की क्या हो सकती है वेरिएशन हो सकती है, नॉट ए बिग डील कि आपने सेंटर जरूरी नहीं कि यहां पे ही लेना है, तो ये कहीं भी हो सकता है, तो उस हिसाब से हमने यहां पे लगा दिया कि ये सेंटर यहां पे होगा, क्लियर बेटा बात, ठीक है। तो अब आप एक चीज देख रहे होगे कि इसने सर्कल कंप्लीट नहीं किया इस रास्ते, बस सर्कुलर पाथ जो इसने फॉलो किया वो जरूर किया है, तो इसमें क्या पूछ सकता है वो कि कैलकुलेट दी टाइम, ठीक है, वो टाइम बताना है
स्पेंट इन द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड में जो इसने टाइम है वो टाइम बताना है कि कितना इसने स्पेंट किया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. ठीक है बेटा. दूसरा क्या पूछ सकता है, कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है वो पूछ सकता है. और क्या पूछ सकता है बेटा, कितने पूछ लो, कितने क्वेश्चन बना लो. अब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो मोमेंटम में चेंज भी पूछ सकता है. मोमेंटम में चेंज क्या कह देते हैं, इंपल्स कह देते हैं. तो कैलकुलेट इंपल्स भी पूछ ले सकता है, कैलकुलेट इंपल्स. ठीक है. तो सीधी सी बात बेटा, वन बाय वन हम इसको सोल्व करेंगे. तो पहला जो पार्ट है हमारे पास, कैलकुलेट द टाइम स्पेंट इन द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड में टाइम बताना है आपने. तो सीधी सी बात है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है. मींस हमें किसकी अगर हेल्प लेनी पड़ेगी, इसके अंदर एंगल की हेल्प लेनी पड़ेगी. अगर हमारे पास एंगल आ जाएगा तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं. मींस पहले के लिए थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, ओमेगा टी आ गया. ठीक है. टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल. थीटा क्या है, ये एंगल है. एंगल कौन सा, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल. इस सर्कल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंडेड है उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है. ये नहीं कि जिस एंगल से हमने प्रोजेक्ट किया है. क्लियर बच्चे. तो यहां एंगल हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट कर लेंगे भाई, और क्या करेंगे. अब ये एंगल थीटा, ये एंगल क्या है थीटा. तो ये क्या बचा हमारे पास, 90 माइनस थीटा है ना बेटा, क्योंकि ये और ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है. तो ये थीटा, तो ये क्या बच जाएगा हमारे पास, 90 माइनस थीटा बच जाएगा. अब ये और ये भी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है. ये लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है. ठीक है. तो ये एंगल क्या हो जाएगा बेटा, थीटा हो जाएगा. ये एंगल अगर आप यहां इसकी बात करो तो ये क्या है, यहां पे थीटा. ठीक है. तो ये थीटा, ये टोटल कितना, 90 है. ये टोटल भी कितना बेटा, 90 है. और ये भी कितना है, 90 है. मींस रेडियस और जो टेंजेंट हैं वो आपस में क्या होते हैं बेटा, परपेंडिकुलर होते हैं. रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं. तो ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये कितना बच गया, थीटा बच गया. ये एंगल कितना है, 90 है. तो ये कितना बच जाएगा, 90 माइनस थीटा बच जाएगा. ये एंगल कितना बचेगा बेटा, 90 माइनस थीटा बचेगा. ये एंगल भी कितना बचेगा, सिमिलरली 90 माइनस थीटा बचेगा. 90 माइनस थीटा मींस अगर मैं इसको यहां ड्रा करूं कि ये एंगल जो हमारे पास आया है 90 माइनस थीटा ऊपर वाला और 90 माइनस थीटा नीचे वाला. ठीक है. तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो टोटल सबटेंडेड एंगल एट द सेंटर आ जाएगा इसकी वजह से. तो एंगल क्या हुआ यहां पे, टोटल एंगल क्या बना बेटा, 180 माइनस 2 थीटा ऐड कर दिया हमने. मींस क्या आ गया हमारे पास, पाई माइनस में 2 थीटा, ये एंगल आ गया. तो एंगल लिख दिया बेटा मैंने कितना, पाई माइनस में 2 थीटा लिख दिया. ठीक है. डिवाइड बाई क्या लिख देंगे, ओमेगा लिख देंगे. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वो टाइम इंटरवल आ जाएगा जितना टाइम इसने स्पेंड किया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. ये हमारे पास एक्चुअल में टाइम पीरियड आ गया. बाकी अगर जो आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जैसे ओमेगा की वैल्यू होती है क्यू बी बाई में एम होती है ना. टाइम पीरियड पता होगा आपको, टाइम पीरियड क्या है, 2 पाई एम डिवाइड बाई में क्यू बी है. तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाई टी, तो क्यू बी बाई एम आ जाएगा. ये ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी. तो हमें अगर टाइम पीरियड निकालना है ओमेगा इसकी टर्म में, तो पाई माइनस 2 थीटा डिवाइड बाई में क्यू बी इंटू क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा. तो ये हमारे पास टाइम पीरियड का ही फॉर्मूला है. किस टर्म में बेटा, क्यू बी और एम की में. ये क्या था, ओमेगा की फॉर्म में. क्लियर है. तो इस टाइप से आप इसकी काफी सारी फॉर्म बना सकते हो, जिसे और भी फॉर्म इसको हम कन्वर्ट करना चाहें. कंप्लीट जो टाइम पीरियड है उसकी टर्म में अगर हम कंप्लीट इसको कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी हो जाएगा. जैसे हमने पता है कि टाइम पीरियड जो कंप्लीट सर्कल का होना चाहिए था, बट एक्चुअल में अब कंप्लीट सर्कल नहीं है. तो जो टाइम पीरियड आएगा, दैट इज 2 पाई एम डिवाइड बाई में क्या है, क्यू बी है. ये हमारे पास क्या आया बेटा, टाइम पीरियड है. इसकी हेल्प से
अगर आप, मैं इसको है ना इसके साथ रिलेट कर रहा हूँ, इन दोनों को मैं रिलेट करूंगा, जनरलाइज कर रहा हूं मैं इसको कि टाइम पीरियड एक्चुअल में क्या बनेगा, इसके कितना मल्टीपल आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, तो इससे मैं लिख सकता हूं कि QB इज इक्वल टू 2 पाई m डिवाइड बाय में t लिख सकता हूं, और इससे भी मैं लिख सकता हूं क्योंकि QB की वैल्यू फाइंड आउट कर ली मैंने, इससे QB की वैल्यू यहां से भी फाइंड आउट करूं मैं अगर, तो QB क्या आ जाएगा, पाई माइनस 2 थीटा इनटू m डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, है ना। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा, QB की वैल्यू आ गई, QB ये है और QB ये है, दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 मान लो, जो भी माननी है आपने, तो कंपेयर करोगे तो 2 पाई m डिवाइड बाय t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई माइनस 2 थीटा इनटू m डिवाइड बाय में t, इस m से ये क्या हो जाएगा, ये m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड जो आया, ये टाइम पीरियड इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, पाई माइनस 2 थीटा, पाई माइनस 2 थीटा इनटू t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई t, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो t इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई माइनस 2 थीटा इनटू t डिवाइड बाय में 2 पाई, है ना। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, नया टाइम पीरियड आ गया, है ना। मींस नया टाइम पीरियड मींस ये क्या है, एंगल लिख दूं मैं, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर, मींस एंगल सबटेंडेड एट सेंटर, सबटेंडेड एट ए सेंटर, तो t इज इक्वल टू इसको फाई से डिनोट कर दिया मैंने, फाई से मतलब एक एंगल बना के, हमसे इस बात है एंगल जो सबटेंडेड होगा वहां पे, तो फाई इनटू में t डिवाइड बाय में 2 पाई, ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, इसका रिलेशन आ जाएगा। मींस अगर आपको एंगल पता है तो टाइम पीरियड पूरा पता हो तो उसके हिसाब से हम ये फ्रैक्शन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इस टाइप से टाइम पीरियड होता है, क्लियर बच्चे। अच्छा अब दूसरे पोर्शन की तरफ बढ़ रहे हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में कितनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल की होगी, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट लिख रहा हूं बेटा यहां पे, डिस्टेंस क्या होती है, यहां से यहां तक का ये जो पाथ है मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये क्या है एक्चुअल में, लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क को आपने क्या करना है, जस्ट कैलकुलेट करना है, मींस लेंथ ऑफ आर्क को आप कैलकुलेट कर दो, जस्ट क्या है वही है, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल बाई आर होता है, तो सीधी सी बात है एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू में थीटा बन जाएगा, जो एंगल है हमने फाई मान रखा तो फाई लिख दे, कोई खास बात नहीं है, तो आर 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 इंटू फाई, ठीक है। तो R into क्या लिख दिया बेटा, phi की वैल्यू कहाँ है, phi की वैल्यू pi minus 2 थीटा, तो लिख दिया मैंने pi minus में 2 थीटा, ये हमारे पास क्या आ गई, displacement आ, distance आ गई, sorry distance आ गई ये, तो जब distance आ गई तो R की वैल्यू पता है आपको क्या होती है, R is equal to QV divided by MB होती है, ठीक है, आपको पता है R is equal to क्या होता है बेटा, QV divide by में MB, जो previous result हमने देखे थे उनकी help से, तो यहां हम length भी calculate कर सकते हैं, L is equal to QV by में MB into क्या आ जाएगा, pi minus 2 theta आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया, length आ जाएगी इसकी, QV by MB into pi minus में theta, means ये actual में distance traveled in magnetic field calculate कर लिया, clear बच्चे। अब उसके बाद देखो, calculate impulse, इंपल्स में क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है बेटा, रियल मीनिंग में अगर आप देखोगे तो इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है, तो मोमेंटम किसके ऊपर, मास इनटू वेलोसिटी होती है, मींस मास तो चेंज होगा नहीं, किस में चेंज देख लें, वेलोसिटी में चेंज देख लें, मास से मल्टीप्लाई कर देंगे जस्ट, तो क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है। तो यहां अगर हम इस सेगमेंट की बात करें कि दिस चार्ज पार्टिकल वाज एंटरिंग विद वेलोसिटी v, ठीक है। हाँ एक क्वेश्चन और बेटा इसके अंदर अराइज होता है, कहीं आप ये सोचो कि ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल नहीं बना रहा है, ये थीटा एंगल किसके साथ बना रहा है, जो आपने हॉरिजेंटल चूज किया है उसके साथ बना रहा है। जैसे मैंने यहां पे किया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है ऐसे है, चार्ज पार्टिकल ने एंट्री की ऐसे, मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजेंटल,
तो ये है ओरिजेंटल, इसके साथ एंगल बना रहा है ये, कहीं आप ये सोचो कि इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ, इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो एंगल अब भी कितना है, 90 डिग्री है। अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूं तो भी एंगल कितना है, 90 डिग्री है। कहीं से भी इसको मैं रोटेट कर रहा हूं तो एंगल कितना रहेगा इसके साथ, तो 90 ही रहता है। तभी जाके क्या लगती है, इसके ऊपर फोर्स लगती है, और वो मैग्नेटिक फोर्स आप कैलकुलेट कर रहे हो, उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट कर रहे हो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। क्लियर बच्चे बात? तो ये एक्चुअल में एंगल किसके साथ है बेटा, इस हॉरिजेंटल के साथ एंगल है, ना कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ। क्लियर है ना? तो अब एक चीज देखो, यहाँ पे हम मोमेंटम निकाल रहे हैं, वेलोसिटी निकालेंगे, तो यहाँ पे इसको रिजोल्व कर सकते हैं हम, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये v cos थीटा आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, v sin थीटा आ जाएगा, है ना? ये कंपोनेंट v cos थीटा और ये v sin थीटा। इसी टाइप से ये वेलोसिटी है, तो इसको भी आप क्या कर लोगे बेटा, रिजोल्व कर दोगे यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा v sin थीटा और यहाँ पे क्या आ जाएगा v cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? ठीक बेटा, तो अब उसके बाद इसकी इनिशियल मोमेंटम लिखो, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या होगी, ये एक्स डायरेक्शन में है तो मास इनटू में वेलोसिटी, एक्स डायरेक्शन वाली तो आई कैप लिख दिया, प्लस मास इनटू वेलोसिटी जे कैप, प्लस मास इनटू वेलोसिटी साइन थीटा है जे कैप लिख दिया। उसके बाद हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, फाइनल मोमेंटम फाइंड आउट कर रहे हैं। फाइनल मोमेंटम क्या बन गई बेटा, इसके हिसाब से बन जाएगी, तो इसके हिसाब से क्या बनेगी, एक्स कंपोनेंट रिवर्स होगी डायरेक्शन, तो माइनस आई कैप आ जाएगा, मींस माइनस एम वी कॉस थीटा आई कैप आ गया, प्लस एम वी साइन थीटा जे कैप आ गया। क्लियर बच्चे बात? तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होता है, इंपल्स के इक्वल होता है। चेंज इन मोमेंटम इंपल्स के इक्वल होता है, ठीक है? तो इंपल्स हम कैलकुलेट करें, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तो एम वी कॉस थीटा आई कैप प्लस एम वी साइन थीटा जे कैप लिख दिया फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस एम वी कॉस थीटा आई कैप माइनस एम वी साइन थीटा जे कैप आ जाएगा। ठीक है, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बची, माइनस टू एम वी कॉस थीटा आई कैप, क्या बचेगी, मोमेंटम आ जाएगी, चेंज इन मोमेंटम, दैट इज इंपल्स होता है। ठीक है, तो इस साइड से आप क्या कर सकते हो, इनके अंदर कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, जो भी पूछे आपसे जिसके रिगार्डिंग, जो आप जो पैरामीटर यूज हो रहे हैं, जो उसके हिसाब से हम कर लेंगे इसकी कैलकुलेशन। क्लियर बच्चे? अच्छा, अब देखो, अब आपने क्या सिलेक्ट किया था, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल सिलेक्ट किया था, है ना, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल सिलेक्ट किया था। अब मैं क्या कर रहा हूं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल सिलेक्ट कर रहा हूं, क्या उसका पाथ भी ऐसा ही होगा, कुछ देखते हैं क्या बनेगा। ठीक है, तो अब एक चीज देखो बेटा, इसका भी ये देख सकते हो कि ये जो एंगल आप चेंज करके देख लो एक बार। ठीक है, पॉजिटिव का अगर आपने चेंज करना है, पॉजिटिव ऊपर से आ रहा है तो कैसे आएगा, नेगेटिव आ रहा है तो कैसे आएगा, देख लेते हैं एक बार। इस टाइप से ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, ठीक है, और यहां से चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर किया, पॉजिटिव ही है ये, पॉजिटिव मान के चल रहे एक बार, ये पॉजिटिव ऐसे आ रहा है, तो इसका मोशन कैसा होगा, इसका मोशन देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, मोशन ऐसे है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, वो कैसे लग रही है बेटा, ऊपर की तरफ लग रही है, ठीक है, ऊपर की तरफ लग रही है। तो मैं इसको बोर्ड ऊपर शो नहीं हो रहा होगा, तो मैं इसको नीचे कर रहा हूं, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे मैंने ये किया कि ये चार्ज पार्टिकल ऐसे आ रहा था, ठीक है, वेलोसिटी वी थी, क्योंकि मैं इसको ऊपर करता तो ये दिखाई नहीं दे रहा होता। तो अब फोर्स कैसे लग रही बेटा, ऊपर की तरफ लग रही है, मींस जो ये चार्ज पार्टिकल का मोशन ऐसे था, तो ये अब क्या होगा, फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, तो इसका जो पाथ है वो कैसे हो जाएगा, इस टाइप से चेंज हो जाएगा, है ना। अब क्या होगा बेटा, चेंज होता 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 इस टाइप से यहां पहुंच जाता, यहां पहुंच के फिर ये जिस एंगल से इसने एंट्री की थी उसके अपोजिट एंगल से क्या कर रहा है। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये एंगल क्या था, थीटा था, तो ये एंगल क्या बन रहा है बेटा, यहां पे थीटा बन रहा है इस ओरिजिनल के साथ। ठीक है,
कोई डाउट तो नहीं ना यहाँ तक। तो अब उसके बाद जो सेंटर बनेगा सर्कल का वो ये बनेगा, है ना, क्योंकि ये इसका पार्ट है। तो ये इस टाइप से जो हमारे पास एंगल है, देखो इसके टर्म में अगर यहाँ पे एंगल क्या था, लेस देन 90 था ना, तो ये सेंटर यहाँ आ रहा था। अब क्या है, ये इसके साथ एंगल है, मींस अगर आप इसको ऐसे डिनोट करोगे जैसे आपने इसके उस साइड का एंगल कंसीडर किया था, तो ये एंगल कितना बन रहा है बेटा, ग्रेटर देन 90 बन रहा है। तो उस केस में आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो कि जो सेंटर है वो कहां पे लाई कर रहा है, इस एक्सिस से इस साइड लाई कर रहा है ना। तो यहां पे आ गए ये सेंटर की बात, ठीक है। तो सेंटर कहीं आप ये सोचो कि यही आना जरूरी होता है, ये यहां नहीं आता होता। ये कब यहां आता होता है, जब हमारा पाथ कैसा हो, सेमी सर्कुलर पाथ, ठीक है, उस केस में ये आएगा। अच्छा, इसका भी क्या कर सकते हैं बेटा, टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ठीक है। तो अब की बार एंगल क्या बनेगा, एंगल ये सब टेंड किया है ना, ये सब टेंड किया है, मींस यहां अगर आप ये करो, ये यहां पे हो जाए इस टाइप से, तो ये जो एंगल सबटेंडेड होगा ना, ये जो एंगल सबटेंडेड होगा, ना कि ये अंदर वाला छोटा नहीं, ये जो वाला पाथ होगा, ये एंगल हम काउंट करेंगे थीटा इज इक्वल टू, फिर क्या रख देंगे, ओमेगा टी के बराबर पुट कर देंगे। क्लियर है बच्चे, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को कंसीडर कर रहा हूं। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, बाकी सारा का सारा, सारी कैलकुलेशन हम इसके साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड का रीजन लिया कि इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारे पास कोई भी, हमने क्या रख दिया, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रख दिया। और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल किस टाइप से, मान लिया इस टाइप से ही एंट्री कर रहा, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, मास m है, मूविंग विद वेलोसिटी v। इसी टाइप से बिल्कुल सेम पैटर्न में हमने कंसीडर किया है, ये वेलोसिटी v थी और ये इसके साथ क्या बना रहा था बेटा, एंगल थीटा बना रहा था। क्लियर है बात। तो अब एक चीज देखो, इसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगी, क्योंकि आपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाया था, यहां पर फोर्स ऐसे लग रही थी। तो यहां अगर आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर मोशन इस डायरेक्शन में किसका, नेगेटिव का, लेकिन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए, पॉजिटिव पार्टिकल के लिए। तो नेगेटिव का मोशन ऐसे है तो पॉजिटिव की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी दैट विल बी डाउनवर्ड, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स लग रही होगी। तो ये जाना चाह रहा था ऐसे, तो अब क्या होगा, इसका पाथ है कुछ इस टाइप से हो जाएगा बेटा, ठीक है। हमने मैग्नेटिक फील्ड को यहां और शो करना पड़ेगा, मीन्स की रीजन ये है हमारे पास, ठीक है, यहां पे ही आ गया। फिर उसके बाद यहां आगे क्या होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड खत्म, तो जिस हिसाब से, जिस एंगल से ये यहां पे आया है, उसी एंगल से ये क्या हो जाएगा, इस टाइप से स्ट्राइक हो, क्योंकि सर्कल क्या करेगा, ये कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। वही बात इसमें फिर क्या आ जाएगा, क्योंकि एंगल क्या है, यही बन गया इसके में, इसके अंदर में एंगल ऐसे बन रहे हैं, उसमें एंगल कैसे खुल रहे थे, ऐसे खुल रहे थे। तो यहाँ पे एंगल जो सेंटर होगा वो क्या होगा, इसके अंदर लाई कर रहा होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के अंदर लाई कर रहा होगा। तो अब आप बात करो इसकी, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास इस टाइप से, ठीक है। तो ये एंगल कौन सा एंगल, ये वाला या ये वाला, क्योंकि सर्कल ये वाला है ना, तो ये एक्चुअल में इस सर्कल का पार्ट है, कहीं ना कहीं इस टाइप से ये सर्कल का पार्ट है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ये एंगल बना है, ये एंगल हम क्या करेंगे, इसके अंदर काउंट करेंगे। तो ये एंगल अगर थीटा है हमारे पास, ये एंगल अगर थीटा है, ये टेंजेंट है, और टेंजेंट और रेडियस क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये एंगल क्या बनेगा बेटा, 90 बन गया, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस क्या है, परपेंडिकुलर है आपस में, ठीक है। तो ये एंगल 90 हो गया, तो ये कितना बचा, अब 90 माइनस थीटा बच गया, ठीक है। यहां पे कितना बच गया बेटा, 90 माइनस थीटा बच गया। ये एंगल कितना बच गया, थीटा बच गया। ये यहां पे कितना हो गया, 90 हो गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 90 माइनस थीटा आ गया। अंदर कितना आ गया बेटा, ये 90 माइनस थीटा आ गया। तो बाहर कितना हो जाएगा, बाहर कितना हो जाएगा, मतलब ये अगर आप टोटल एंगल फाइंड आउट करना है हमें, तो आधा ये आएगा, तो ये अंदर वाला कितना आ गया। देखो ये सिचुएशन बनी बेटा हमारे पास, ये है और ये है ऐसे, ये कितना है, 90 माइनस थीटा है। टोटल कितना है, 180 है।
तो ये एंगल वन मान लू मैं, तो 90 माइनस थीटा प्लस एंगल वन इज इक्वल टू कितना बेटा, 180 डिग्री है। तो एंगल वन कितना आ जाएगा हमारे पास, यू साइड जाके 90 प्लस थीटा हो गया, मींस ये एंगल किसके इक्वल आ जाएगा, आप 90 प्लस थीटा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। दोबारा बताऊं, ये एंगल थीटा, तो ये कितना टोटल 90 टेंजेंट के साथ है, तो ये कितना बचा, 90 माइनस थीटा बचा इसके साथ वाला, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना बन गया, थीटा बन गया, क्योंकि ये और ये कितना हटा, 90 डिग्री। तो अब उसके हिसाब से ये थीटा, तो ये एंगल 90 है, तो ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के 180, तो ये कितना बच जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो अब ये लाइन है, तो लाइन पे कितना एंगल बन रहा होता है, 180, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, सिंपल एंगल 1 क्या आ जाएगा, 90 प्लस थीटा आ जाएगा। सिमिलरली ये भी कितना आ जाएगा, 90 प्लस थीटा, लोअर हाफ में जो बन रहा है ये भी कितना आ जाएगा, 90 प्लस थीटा आ जाएगा। तो जो हमारे पास मेन चीज क्या रह गया बेटा, एंगल कैलकुलेट करना आना चाहिए। एंगल कितना आ गया अब हमारे पास, 90 प्लस थीटा प्लस 90 प्लस थीटा कितना आ गया, 180 प्लस थीटा, दैट इज इक्वल टू पाई प्लस थीटा आ गया। मींस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी होता है, वही बात, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी, मींस पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा टी आ गया। तो टाइम कितने टाइम स्पेंड किया इसने, तो पाई प्लस, सॉरी यहां पे थीटा और थीटा, 2 थीटा, ठीक है, तो यहां पे 2 थीटा, तो पाई प्लस 2 थीटा डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा की वैल्यू पुट करनी है क्यों भी बाय एम, सारा प्रोसेस यही आप क्या कर सकते हो बेटा, इसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हो एज इट इज। क्लियर है बात। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं एंगल की हेल्प से कि कितना टाइम ये स्पेंड किया इसने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट पोर्शन की तरफ पढ़ रहे हैं बेटा। हम सारे केस क्या कर रहे हैं बेटा, स्टडी कर रहे हैं कि कब ये सर्कुलर पाथ बना रहा है, कब ये ऐसे सेमी सर्कल बना रहा है, कब ये कैसे बना रहा है। ठीक है, एक केस ये भी हो सकता है, ठीक है, एक केस ये हो सकता है कि हमने मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर की, इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर की, और ये चार्ज पार्टिकल आ रहा था ऐसे, तो इसने क्या बनाया, यहां तक तो सर्कल बना दिया, सेमी सर्कल मतलब जो भी सर्कुलर शेप थी वो बना दी इसने, लेकिन उसके बाद क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन खत्म हो गया, मींस यहां से ये यहां तक बेंड ही नहीं कर पाया, तो ये कहां चला जाएगा, सीधा चला जाएगा इस टाइप से। ठीक है, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाई कैलकुलेट द एंगल ऑफ डेविएशन, जो इसने डेविएशन पूछी है वो भी आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि कैसे ये डेविएट हो रहा होगा। ठीक है, तो रीजन के ऊपर डिपेंडेंट है बेटा ये सारे के सारे केस, कि भाई किस रीजन में हमने क्या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सिलेक्ट की है, क्या रीजन सिलेक्ट किया है, क्या वी सिलेक्ट किया है, क्या बी, क्या मास, क्या सारी चीजों के ऊपर ये डिपेंडेंट होता है, उसके बाद ही हम अंदाजा लगा पाएंगे। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन की हेल्प से सोल्व कर रहे हैं, हमने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड का रीजन कंसीडर कर लिया, कि ये बी है, इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है यहां तक। ठीक है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, क्लियर बेटा, और इस रीजन की लेंथ दे दी हमने, एल दे दी, मींस एल लेंथ है इस रीजन की, इतने लंबाई में ये रीजन क्या हुआ है, फैला हुआ है, क्लियर बेटा बात। यहां कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस रीजन आल्सो, मींस जो ये रीजन है इसके क्या है, ये परपेंडिकुलर है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बना रहा है, जीरो बना रहा है, मींस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ जीरो एंगल बना रही है, ये हमने कंसीडर कर लिया यहां। इसका मास हमने क्या मान लिया बेटा, एम मान लिया। ठीक है, तो आपने बताना है कि कब तो ये सर्कल बनाएगा, कब ये नहीं बनाएगा। ठीक है, कभी सेमी सर्कुलर, कभी कैसी शेप होगी, वो आपने डिस्कस करना है। ठीक है, तो पहला केस मैंने लिया कि यहां पे r की वैल्यू ग्रेटर देन l, ठीक है, r की वैल्यू ग्रेटर देन l है, r रेडियस जो बनेगी सर्कल की वो इस लेंथ से ज्यादा है, तो ये सीधी सी बात है बाहर जाएगा, तो ये वाला केस बनेगा बेटा उसके अंदर। ठीक है, अच्छा फिर मैं दूसरा केस अगर यहां पे कंसीडर करूं तो वो क्या होगा कि r less than l का हो जाएगा, कि r less than l है, r less than
एल है तो इस केस में क्या करेगा ये, मींस जो रेडियस ऑफ द सर्कल होगी वो कम है इस रीजन से, तो मींस ये क्या करेगा, बेंड करेगा यहां से यहां तक का, और ये फिर क्या आ जाएगा, इसी एंगल से वापस आ जाएगा। मींस पहले मैं आर लेस देन एल का केस कर रहा हूं, आर लेस देन एल के केस में क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल आया बेटा और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स लगती 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 यहां तक आ गई, ठीक है। अब जो एंगल ये यहां पे 0 डिग्री है, जो एंगल यहां 0 डिग्री है, तो ये यहां पे क्या बनाएगा, 180 बनाएगा, मींस इस साइड देखेंगे तो अगेन 0 हो जाएगा। तो यहां से देखोगे आप तो ये कुछ इस टाइप से सर्कल बनाएगा, सेमी सर्कल बन जाएगा इस केस में, और ये कब हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री हो जाएगा यहां पे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि किस, वैसे भी सर्कल में मैंने बताया था आपको कि सर्कल है ये इस टाइप से, तो यहां पे ये एंगल 0 बन गया, तो यहां ये एंगल कितना हो गया, 180 हो गया। तो ऐसी कौन सी कंडीशन आ सकती है भाई, यहां पे ये एंगल ऐसे है, ये एंगल ऐसे है, किस केस में पॉसिबल ऐसा, जब ये क्या बनाएगा, सेमी सर्कुलर फॉर्म बनाएगा। तो यहां पे ये क्या बनाएगा बेटा, सेमी सर्कुलर फॉर्म बनाएगा, मींस जो ये ट्रेसिंग हो रही है कितने एंगल पे डेविएशन हो रहा है, ये 0 था तो ये क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया, मींस वापस उसी पाथ में ये अपने आप आ जाएगा, और ये यहां पे इसका क्या बनेगा, सेंटर बनेगा, मींस ये क्या बनेगी, इसकी रेडियस बनेगी। इस टाइप से हमारे पास ये r less than l का केस हो जाएगा, ठीक है, 1 लिखते हमने, r less than s का केस हो जाएगा, क्लियर है बात। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी बेटा, r greater than l की और r is equal to l की बात करेंगे हम, ठीक है। तो r greater than l का जो केस होगा, ये रीजन मैंने यहां पे कंसीडर किया, वही सेम रीजन है, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे है इस टाइप से, क्लियर है। तो अब यहां पे चार्ज पार्टिकल इस टाइप से एंटर किया, चार्ज पार्टिकल ने विद वेलोसिटी v, मास m है इसका, ठीक है। अच्छा अब क्या बेटा, ये लेंथ है जो, दैट इज स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस, मींस r की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन l है, और r एक्चुअल में क्या होता है, सेकंड केस की बात कर रहा हूं, r ग्रेटर देन l, तो r एक्चुअल में क्या होता है, mv डिवाइड बाय क्या होता है, qb, ठीक है। r क्या होता है, mv डिवाइड बाय qb, दैट इज ग्रेटर देन क्या है इस केस के अंदर, l है ना इस केस में। तो क्या कंडीशन रही होगी बेटा, कि यहां से ये चार्ज पार्टिकल ऐसे आया यहां तक, तो इसने क्या बनाया कि रेडियस ज्यादा होगी इसकी, तो सीधी बात है यहां तक तो इसने क्या बना दिया, सर्कुलर पाथ बना दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड खत्म होगी, तो सीधी सी बात है सर्कल नहीं बनेगा, अब सर्कल नहीं बनेगा, तो जो जिससे ये चला था उसी साइड से ये ऐसे चला जाएगा सीधा। तो यहां अगर आप किसकी बात करो कि व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना एंगल डेविएट हुआ है, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर है बच्चे। तो एक बात बताओ, अगर हम यहां पे कहीं कंसीडर करें सर्कल को, तो ये ऐसे और ये ऐसे है ना, ये क्या है, दोनों आर बन जाएंगे हमारे पास, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, लेंथ बन जाएगी। सीधी सी बात है कि ये एंगल डेल्टा है, तो ये एंगल क्या बन जाएगा हमारे पास, डेल्टा बन जाए, ठीक है। ऐसे करके, ऐसे अगर आपने करके देखना है इसको, तो करके भी देख सकते हो आप इसको, जैसे ये एंगल हमारे पास क्या है, डेल्टा है, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर ये है, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर रेडियस है, क्योंकि ये रेडियस और टेंजेंट है, दो लाइंस के बीच एंगल थीटा, तो उनके परपेंडिकुलर के बीच भी एंगल क्या बन जाएगा बेटा, थीटा बन जाएगा। मींस यहां एंगल डेल्टा है, तो ये एंगल भी क्या बन जाएगा हमारे पास, डेल्टा बन जाएगा, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल ऑफ डेविएशन ही फाइंड आउट करना है। मींस हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, साइन डेल्टा इज इक्वल टू, साइन डेल्टा क्या लिख देंगे हम, एल डिवाइड बाई आर, मींस जो रीजन है डिवाइड बाई में जो रेडियस आई है हमारे पास, ठीक है। और रेडियस की वैल्यू क्या होती है, रेडियस एम वी डिवाइड बाई में क्यू बी, सॉरी आर की वैल्यू एम वी डिवाइड बाई क्या आ जाएगी यहां पे, क्यू बी आ जाएगी। तो ये हमारे पास साइन डेल्टा है, डेल्टा निकालना है तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स क्यू बी एल डिवाइड बाई में एम वी आ जाएगा, ठीक बेटा। तो इस टाइप से आप केस को सोल्व कर सकते हो। अगर ये पूछ लिया जाए, थर्ड केस में बात कर रहा हूं, कि r इज इक्वल टू l है, ठीक है, मींस l की वैल्यू क्या है, r के बराबर है, तो उस केस में क्या होगा, साइन डेल्टा इज इक्वल टू l इज इक्वल टू r, तो इसका मतलब 1, मींस डेल्टा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। मींस ये कैसे होगा, कि ये यहां से ऐसे की बजाय, ऐसे जाने की बजाय कैसे जाएगा बेटा, ये परपेंडिकुलर चला जाएगा,
है ना। मीन्स अगर मैं इसको शो करूं यहाँ पे, तो ये मैं अलग से शो कर रहा हूं इसको, यहां से ये एंगल जो बनेगा इसके साथ जो बनेगा, क्योंकि ओरिजेंटल है और ये क्या है ये, तो ये क्या बन जाएगा डेल्टा, किस केस में, जब आर इज इक्वल टू क्या होगा एल वाला केस होगा, तो ये एंगल हमारे पास क्या बन जाएगा डेल्टा बन जाएगा। क्लियर बच्चे बात? तो ये हमने डेल्टा कर। अब उसके बाद और भी केसेस हो सकते हैं कि अगर मैं लेंथ को बोल दूं कि हाफ ऑफ द रेडियस, ठीक है, फोर्थ पॉइंट अगर मैं लिखूं कि आर बाई टू है हमारे पास लेंथ, मीन्स जो लेंथ है ये वाला जो रीजन है दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास R by 2, means क्या हो जाएगा mv divide by में 2 क्यों भी हो जाएगा, है ना। तो उस केस में क्या होगा, तो sin delta, उस केस की बात करो अगर आप, तो sin delta is equal to l की जगह क्या लिख दूं मैं, R by 2 लिख दूं, R by 2 लिख दूं, ये क्या हो जाएगा R, तो sin delta क्या हो गया half हो गया, means delta कितना बन जाएगा 30 degree बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाते हैं बेटा, इस टाइप स्पेशल केस बन जाते हैं कि किसी भी वे में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो अब इसी कंसेप्ट का यूज करके हम एक जर्नल क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, यही कंसेप्ट यूज करेंगे हम, जिसे हमने मान लिया कि हमारे पास एक स्क्वेयर प्लेट है और उसके अंदर क्या कर रखा हमने, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, स्क्वेयर मैग्नेटिक फील्ड रीजन मान लिया हमने कि ये रीजन है हमारे पास स्क्वेयर टाइप में, और इसके अंदर क्या है मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे ऐसे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में इससे शो कर रहा हूं, ये हमारे पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और यहां से ये एल डिस्टेंस है, ये भी क्या है एल है, तो सीधी बात है स्क्वायर है तो एल ही होगा, यहां हमने एल बाई टू के ऊपर यहां से डिस्टेंस कितनी है एल बाई टू हमने कंसीडर कर दी, और एक हमारे पास क्या था चार्ज पार्टिकल क्यू मूविंग विद वेलोसिटी वी, और मास हमने क्या मान लिया उसका एम मान लिया, जो कॉमन सी बातें हैं हमने कंसीडर कर ली, ठीक है, तो ये हमने फेस मान लिया इसके, ये पहला फेस हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा फेस मान लिया हमने, और ये फोर्थ फेस मान लिया, ठीक है, चारों फेस हमने कंसीडर कर लिया। तो इसमें क्या पूछा गया, ठीक है, क्या पूछा गया बेटा, फाइंड दी वैल्यूज ऑफ लिमिटिंग वेलोसिटीज, लिमिटिंग वेलोसिटीज की आपने क्या फाइंड आउट करनी बेटा, वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन दिस चार्ज पार्टिकल लीव्स फ्रॉम फेस वन फेस टू फेस थ्री एंड फेस फोर, ठीक है, चार केस बन गए, मींस जब ये इसमें से निकलेगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम बताओ कितनी होगी, कि वेलोसिटी मैक्सिमम बताओ कि ये फर्स्ट फर्स्ट फेज में से निकले सिर्फ, सेकंड में क्या कहा वो वेलोसिटी बताओ कि ये सिर्फ क्या बचे इस सेकंड फेज फेज में से निकल सके, थर्ड में क्या पूछा कि वो वेलोसिटी बताओ कि ये इस थर्ड थर्ड फेज में से निकले सिर्फ, और फोर्थ में क्या पूछा कि ये वेलोसिटी बताओ कि सिर्फ क्या पूछे वो क्या निकले वो फोर्थ फोर्थ फेज में से निकले, ठीक बेटा। तो पहला केस अगर हम कंसीडर करके चलें, बातें सारी यही कंसेप्ट इसी कंसेप्ट पे हम यूज करेंगे बेटा, पहला फेज अगर ये ऐसे इस टाइप से बना, ये यहां पे है v वेलोसिटी से, ये ऊपर क्या बेटा l by 2 है ना, पहले फेज में से कब वापस आ सकता है ये बताओ आप, यहां तक है ना पहला, तो अगर यहां भी आ गया तो इसका ये फोर्थ सेकंड में से पास हो गया, यहां भी आ गया तो इसका मतलब इसका पाथ कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए बेटा, है ना, और ऐसा पाथ कैसा है ये, मींस ये जीरो पे स्टार्ट हुआ जीरो डिग्री से और ये कहां आया 180 डिग्री तक, है ना, तो इसका मतलब सेमी सर्कुलर। तो हमारे पास जो रेडियस है वो कितनी होनी चाहिए, रेडियस यहां कहीं होगी इनकी, तो ये टोटल l by 2 है, तो रेडियस मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए बेटा l by 4 होनी चाहिए, रेडियस मैक्सिमम, रेडियस मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए l by 4, क्योंकि ये यहां से यहां तक की l by 4 आ जाएगी।
अगर रेडियस इससे ज्यादा हुई तो इसका मतलब ये चार्ज पार्टिकल ऊपर से चला जाएगा, सेकेंड फेज से क्रॉस करना स्टार्ट कर देगा। तो मैक्सिमम इसके लिए क्या है, एल बाई फोर हमारे पास लेंथ होनी चाहिए। और आपको पता है कि रेडियस की वैल्यू क्या होती है, एम वी डिवाइड बाई क्या होती है, क्यू बी होती है। दैट इज ये क्या होनी चाहिए बेटा, मैक्सिमम वेलोसिटी है ये, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम है। तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे बेटा, v max लिख देंगे, ठीक है। इज इक्वल टू क्या है, l बाई फोर है। तो हमारे पास v max आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, v max q b l डिवाइड बाई में 4m आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी। कि भाई अगर आप इससे ज्यादा भगाओगे तो सीधी सी बात है जो सर्कल का साइज, क्योंकि आपको पता है कि कर्वेचर है ना, कर्वेचर किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, इनके ऊपर डिपेंडेंट होती है, वेलोसिटी के ऊपर क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। मींस अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो रेडियस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। रेडियस वेलोसिटी बढ़ेगी तो रेडियस क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये रिलेशन है, उसी रिलेशन का हमने यूज कर लिया कि भाई जो वेलोसिटी मैक्सिमम है वो क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। मींस अगर आपको फेज वन से फाइंड आउट करना, फेज वन से लीव कराना है, तो दैट इज वी मैक्स, ये है v, वेलोसिटी हमेशा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, किससे बेटा, क्यू बी एल डिवाइड बाई में 4m से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। क्लियर है बात। अच्छा, अब उसके बाद एक बात देखो, क्या इस फेज से, देखो मैग्नेटिक फोर्स कैसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग रही है, मोशन ऐसे है चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, क्या ये पार्टिकल कभी नीचे की तरफ आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो फेज जो फेज फोर है उसमें से इस चार्ज पार्टिकल की कभी भी एंट्री नहीं हो सकती, मींस फेज फोर में से तो ये आ ही नहीं सकता, ठीक है। चाहे कितनी वेलोसिटी कर लो आप, इस फेज फोर में से ये नहीं निकल पाएगा। क्लियर है बात, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहां है बेटा, ऊपर की तरफ लग रही है हमेशा, नीचे की तरफ नेगेटिव होता तो ये आ जाता है ना। अब क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्लस क्यों कंसिडर कर रखा, ठीक है बात। अच्छा, अब उसके बाद अगर आपको सेकंड फेज में से कराना है इसको लीव, तो ये यहां से मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड है और यहां से ये चार्ज पार्टिकल आ रहा है वेलोसिटी v के साथ, ठीक है। ये l बाई टू है और ये भी कितनी बेटा, l बाई टू है। ये टोटल कितनी है, यहां से यहां तक की लेंथ l है, ठीक है। तो ये पार्टिकल कैसे आ सकता है बेटा, मैक्सिमम कहां से जाएगा, फेज टू इसके बाद तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा है ना, उसके बाद तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट जाएगा ऐसे है ना, स्ट्रेट जाएगा ऐसे। तो यहां से ये क्या है हमारे पास, रेडियस आ गई कर्वेचर की, जैसा हमने पहले वाले केस के अंदर पढ़ा था। यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया हुआ था, जो वाला केस बना हुआ था वो वाला केस है, तो वही बन गया ये, कि हमने क्या निकाला था इसमें, एंगल ऑफ डेविएशन जो हमने फाइंड आउट किया था। क्लियर बेटा बात। तो अब सीधी सी बात है, ये कर्वेचर है जो, ये किसी ने किसी सेंटर का पार्ट है, किसी ने किसी सेंटर का पार्ट है, तो हमने ये रेडियस इसकी क्या मान ली बेटा, आर मान ली, ये रेडियस हमने आर मान ली, और ये भी क्या मान ली हमने, आर होगी। तो किसी से बात करो, यहां से यहां तक है तो आर रेडियस ये है और आर रेडियस ये होगी इसकी, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, हमें आर से कोई लेना देना नहीं है, हम आर को जानते ही नहीं, तो वेलोसिटी मैक्सिमम का हमें रिलेशन निकालना है तो हमें क्या चाहिए, ये आर चाहिए। तो हमें आर निकालनी पड़ेगी किसकी टर्म में, इस लेंथ की टर्म में हमें आर निकालनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया बेटा, ये आर है तो ये हमारे पास क्या बच जाएगी, ये वाला पोर्शन हमारे पास क्या बच जाएगा, टोटल क्या है आर, तो ये क्या बच जाएगा, आर माइनस एल बाई टू बच जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ गई, आर आ गई, ठीक है। तो ये r माइनस एल बाई टू और ये क्या है हमारे पास, r है। तो इस ट्राइंगल के अंदर देख रहे होगे आप, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r माइनस एल बाई टू का होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, l स्क्वायर आ जाएगा। हमें क्या चाहिए बेटा, r चाहिए, l का पता है हमें, l की टर्म में ही लेके आना है r को भी हमें। तो इसको सोल्व करेंगे तो r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस क्या आ गया, एल स्क्वायर आ गया। टू से क्या हो गया बेटा, ये टू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इस आर से क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है, तो क्या बचा ये हमारे पास, एल स्क्वायर बाई फोर और एल स्क्वायर, 1 बाई फोर प्लस 1, 5 बाई फोर हो गया, तो 5 बाई फोर एल स्क्वायर माइनस आर एल इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया, तो एक एल से कैंसिल हो गया, तो 5 बाई फोर एल इज इक्वल टू क्या बेटा आर, है ना। तो जो हमारे पास आर की वैल्यू है, रेडियस है, वो कितनी होनी चाहिए बेटा, मैक्सिमम ये होनी चाहिए 5 बाई फोर एल के बराबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब अब आर का पता है हमें, आर कितनी होनी चाहिए 5 बाई फोर, आर मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए बेटा 5 बाई फोर एल होनी चाहिए, अगर आपको इसमें से क्रॉस कराना है तो। उसके बाद तो क्या हो जाएगा, उसके बाद अगर कर्वेचर बन रही है तो ये आ जाएगा, मींस किससे पास हो जाएगी, इस थर्ड फेज से पास हो जाएगी, हमें किससे पास करानी थी, सेकंड फेज से पास करानी थी। तो आर मैक्स दिस हो गया, तो आर मैक्स से हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आर मैक्स क्या आ गया हमारे पास, एम वी मैक्स डिवाइड बाई में क्यू बी, जैसे इसमें किया था हमने, तो वी मैक्स आ जाएगी हमारे पास 5 बाई फोर एल आ गया। तो दिस एम्प्लाइज वी मैक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, 5 बाई फोर एल क्यू बी डिवाइड बाई में एम, ये हमारे पास क्या आ गया वी मैक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और अगर इससे ज्यादा अगर स्पीड होगी तब कहां से चलना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें से चलना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये हमारे लिए किसका ग्राफ, किसका वो बन जाएगा, थर्ड केस में बन जाएगा। मींस अगर इससे ज्यादा हो गई तो फेज थ्री में से, मींस अगर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए बेटा वी मैक्स, वी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन किससे, 5 बाई फोर क्यू बी एल डिवाइड बाई में एम से होगी, तो थर्ड फेज से जाएगी। सेकंड में कितनी होगी, सेकंड वाला ये केस था या फर्स्ट वाला था, ये फर्स्ट वाला था, तो क्यू बी एल डिवाइड बाई क्या आ गया बेटा ये 4m आ गया। और सेकंड में ये था कि इससे क्या होनी चाहिए, ये कम होनी चाहिए, तो लेस देन कितना होना चाहिए 5 बाई फोर एल बी क्यू डिवाइड बाई में m होना चाहिए, ये इससे ज्यादा होनी चाहिए, ये इससे कम होनी चाहिए, ये इससे कम होनी चाहिए, ठीक है। इस फोर्थ में तो आई नहीं सकते, चलिए बच्चे, तो थैंक यू, प्रैक्टिस करो बेटा इनके ऊपर।